प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग कारक विभक्ति पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में तृतीया विभक्ति के कुछ सूत्र हमने पढ़े, तो उसी क्रम में आज हम चतुर्थी विभक्ति का एक प्रमुख सूत्र लेते हैं और उसे समझेंगे। तो चतुर्थी विभक्ति का एक सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। तो यह सूत्र भी चतुर्थी का विधान करता है। तो मने बताता है कि नमः के योग में चतुर्थी भक्ति होती है, स्वाहा के योग में चतुर्थी होती है, स्वधा के योग में। तो पहले देखिए सूत्र हम लिखते हैं। सूत्र आप देखिए, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा स्वधा अलम वसट योगाच। योगाच माने योगात च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच। माने ये सूत्र में देखे कि 1 2 3 4 5 6 शब्द हैं सूत्र में। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम। तो देखिए यहाँ पे संधि ऐसा हमने कर दिया है स्वधा, और ये अवग्रह का जो चिन्ह है इसे आप आ समझिए। तो स्वधालम ऐसे पढ़ सकते हैं, लेकिन स्वधा और अलम ऐसे दो शब्द हैं। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट, और छठा शब्द आपका है वसट। कह रहा इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। मैंने जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि सहयुक्ति या प्रधाने तृतीय विभक्ति का, तो मैंने सह के योग में तृतीया होगी, तो वैसे अब मानिए कि नमः के योग में चतुर्थी होगी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी होगी, स्वाहा के योग में चतुर्थी होगी। माने इस सूत्र में 6 पद हैं और इन 6 पदों के योग में चतुर्थी होगी, यही बात यह सूत्र बता रहा है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट योगाच। तो सारे शब्दों का पहले आप अर्थ समझ लीजिए कि नमः माने क्या होता है। नमः माने आप जानते हैं, नमः माने नमस्कार। नमः माने होता है भैया नमस्कार, और स्वस्ति माने होता है कल्याण। स्वस्ति माने कल्याण। और स्वाहा जो शब्द है, स्वाहा का मतलब होता है देवताओं को दी जाने वाली आहुति। जब देवताओं को हम कोई आहुति देते हैं तो स्वाहा कहते हैं। तो देवताओं को दी जाने वाली आहुति। तो स्वाहा तो आप सुने होंगे ना, कि जब हवन वगैरह होता है तो ना कहते हैं ना स्वाहा। तो देवताओं को दी जाने वाली आहुति है। उसके बाद है स्वधा। स्वधा माने होता है पितरों को दिया जाने वाला, दिया जाने वाला अन्नदान या जलदान ना, जो भी पितरों को देते हैं। तो हम जलदान लिख दे रहे हैं, जलदान या अन्नदान, अन्नदान। हाँ, जो भी आप पितरों को यदि आप देते हैं, अगर देवताओं को आप कोई चीज़ समर्पित करते हैं, आहुति करते हैं, मने अन्न या जल मने, तो अन्न तो फिर आहुति मने उसमें स्वाहा बोलेंगे। और अगर पितरों को आप दे रहे हैं कुछ अन्नदान या जलदान, तो ये स्वधा होगा। और उसके बाद स्वाहा सदा अलम। अलम शब्द का अर्थ है भैया, अलम माने पर्याप्त, अलम माने पर्याप्त ना, और बराबर के जोड़ का ऐसा भी समझिए, बराबर के जोड़ का या समर्थ भी होता है अलम माने ना। तो ये अलम के माने कई अर्थ हैं। अलम माने पर्याप्त, बराबर के जोड़ का, समर्थ ना, ये सब अर्थ हैं अलम के। अब इसके बाद एक शब्द इसमें वसट। वसट क्या होता है भैया, कि देखिए देवताओं को जो अन्नदान वगैरह जो आहुत देते हैं उसके लिए तो हम स्वाहा कहते हैं, लेकिन मानो कोई जैसे वस्त्र भेंट करना हो ना, रुपए पैसे देना हो, तो उसके लिए स्वाहा नहीं करते, उसके लिए वसट शब्द का प्रयोग होता है। तो वसट भी मानो देवताओं को दिया जाने वाला वस्त्रदान आदि है, तो उसके लिए हम वसट बोलते हैं। देवताओं
को हाँ दिया जाने वाला ना दान, तो देवताओं को दिया जाने वाला दान माने जो भी उन्हें वस्त्र जो कुछ भी आप उन्हें भेंट करना चाहते हैं तो वसट करके ऐसे बोला जाता है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसट, ये छह पद हैं और छवों के योग में कौन सी भक्ति होगी, चतुर्थी भक्ति होगी। तो अब देखिए एक एक के हम उदाहरण समझेंगे। ये तो हमने सूत्र देखा कि ये हमारा सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच, उसके बाद हमने अर्थ देखे इसमें छह पद हैं। तो नमः मने नमस्कार, स्वस्ति मने कल्याण, स्वाहा मने देवताओं को दी जाने वाली आहुति, स्वधा मने पितरों को दिया जाने वाला जलदान या अन्नदान, और अलम मने पर्याप्त बराबर के जोड़ का समर्थ, और वसट मने देवताओं को दिया जाने वाला दान वस्त्र दान आदि जो भी मने ऐसी चीज़ें जो हम अग्नि में आहुति नहीं डाल सकते, अग्नि में नहीं जला सकते, तो उसके लिए फिर हम वसट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा नमः का, पहले उदाहरण देखिए अब आप नमः का प्रयोग। तो नमः का प्रयोग करेंगे कि जैसे विष्णवे नमः, तो मने अगर विष्णु को आप नमस्कार करते हैं तो आप लिख देंगे क्या, विष्णवे नमः। परमात्मा को आप नमस्कार करते हैं लिख देंगे परमात्मने नमः, परमात्मने परमात्मने नमः। मने जिसको भी आप नमः करेंगे उसमें चतुर्थी लगाएंगे। मानो पिता को आप नमस्कार कर नमः कर रहे हैं तो फिर आप पित्रे नमः कर दीजिए, पित्रे नमः। गुरु को करते हैं तो गुरवे नमः कर दीजिए, गुरवे नमः। हाँ, जिसको भी आप नमः नमस्कार करना चाहें उसमें चतुर्थी लगाइए। तो ये तो बड़ा सरल प्रयोग है। आप नमः को देखिए, बस नमः आया तो नमः किसी न किसी से आपको करना है तो जिससे करेंगे उसमें चतुर्थी लगा देंगे, विष्णुवे नमः, परमात्मा नमः, गुरुवे नमः। बालक से करना है बालकाय नमः, बालिका से करना है बालिकायै नमः, ना जिससे भी करना है ना तो उसमें सब में आप चतुर्थी लगाइए, बस यही बात है। दूसरा देखिए स्वस्ति है तो जिसका आप कल्याण करना चाहे उसमें चतुर्थी लगाएं। तो मानो बालक का तो बालकाय स्वस्ति कर दीजिए भाई, बालकाय बालकाय स्वस्ति मैंने क्या हो जाएगा, बालक का कल्याण हो, बालक का कल्याण हो ना। पुत्र का कल्याण हो तो क्या हो जाएगा, पुत्राय स्वस्ति ना, पुत्राय स्वस्ति। और भी जिसका भी, जिसका भी कल्याण मैंने ऐसा आपको बोलना है स्वस्ति ना, तो जिसका भी आप कल्याण करना चाहें और उसमें आप स्वस्ति स्वस्ति बोलेंगे तो चतुर्थी उसमें आपको लगानी पड़ेगी। बालकाय स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति न, रामाय स्वस्ति, कृष्णाय स्वस्ति, मैंने जिसका भी आप, जिसके लिए भी आप स्वस्ति शब्द का प्रयोग करना चाहें, जिसका भी कल्याण करना चाहें उसमें आपको चतुर्थी लगानी है। तो नमः स्वस्ति हो गया। अब आप देखिए स्वाहा अगला शब्द है आपका स्वाहा। तो अब इसमें तो तमाम जो देवता हैं सबको आहुति दी जाती है न, तो अग्नये स्वाहा कर दीजिए, अग्नये स्वाहा न, इंद्राय स्वाहा। तो किसी भी देवता को लिख सकते हैं क्योंकि देवता को दी जाने वाली आहुति है, तो इसमें देवता का किसी भी देवता का नाम और लिख दीजिए, उसके बाद स्वाहा लिखिए, लेकिन चतुर्थी आपको लगानी पड़ेगी उस देवता के माने जो होगा और जो भी देवतावाचक शब्द होगा उसमें आपको चतुर्थी लगानी होगी ना। तो अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो स्वाहा के योग में आपको चतुर्थी लगानी है। देखिए स्वधा है अगला शब्द, तो स्वधा है तो ये तो पितरों को दिया जाने वाला है, तो पितृभ्य स्वधा ऐसा आप लिख सकते हैं, पितृभ्य। तो पितृभ्य में कौन सी लगा दिया, चतुर्थी बहुवचन है, पितृभ्य स्वधा, पितृभ्य स्वधा, या फिर लिख देंगे अग्नये स्वधा, अग्नये अग्नये स्वधा भी लिख सकते हैं, अग्नि के लिए भी स्वधा शब्द मने आता है, पितृभ्य स्वधा अग्नये स्वधा। तो मने पितरों को दिया जाने वाला अन्नदान या जलदान तो स्वधा प्रयोग होता है, तो पितृभ्य मने पितृभ्य स्वधा या अग्नये स्वधा। अब देखिए अलम शब्द का उदाहरण देखिए ना, अलम तो मने इसमें है कि पर्याप्त या बराबर अके जोड़ का ना, तो जैसे हम लिख दें हरि ही, हरि ही न, राक्षसेभ्य अलम, राक्षसेभ्य अलम, तो इसका मतलब भैया क्या हो गया कि जो हरि है वो राक्षसों के लिए पर्याप्त है,
हरि जो है राक्षसे भ्याय अलम, राक्षसों के लिए हरि क्या है, पर्याप्त है। तो जिसके लिए अलम उसमें चतुर्थी, तो राक्षसों के लिए अलम तो राक्षस में चतुर्थी ना। अच्छा जैसे कहना हो कि राम श्याम के लिए पर्याप्त है ना, तो कर देंगे रामः रामः श्यामाय श्यामाय अलम, रामः श्यामाय अलम। तो जो मैं तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ, तो अहम और तुभ्यम अलम, अहम माने मैं और तुम्हारे लिए पर्याप्त हूँ, तो इसमें आपको चतुर्थी लगानी पड़ेगी, तो मैंने युष्मत का रूप तुभ्यम बनेगा, तो अहम तुभ्यम अलम, अलम मल्लो मल्लाय ना। तो तमाम सारे उदाहरण है आपके लिए, ये जानिए कि जिसके लिए पर्याप्त है उसमें चतुर्थी आपको लगानी है ना। तो उदाहरण हमने दे दिया, इसी तरीके से आप स्वयं भी बना सकते हैं, हरि राक्षसेभ्यः अलम, रामः श्यामाय अलम, या रामः रावणाय अलम, माने राम रावण के लिए पर्याप्त है। देखिए एक है वशट, तो वशट भी लेते हैं ना, तो इसमें आपको क्या करना है, इंद्राय वशट, इंद्राय वशट, तो इसको भी आप ऐसे कर लें इंद्राय वशट। तो इस प्रकार से ये माने सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट योगाच। तो माने ये सूत्र तो बड़ा सरल है कि नमः के योग में आपको चतुर्थी लगानी है, हाँ तभी है कि आपको चतुर्थी ना आए उस शब्द की, तो अलग की बात है फिर आप कैसे कर पाएंगे। तो जिससे भी नमः करना उसमें आप चतुर्थी लगाइए ना, स्वस्थ जिसकी करनी है, जिसका कल्याण करना उसमें आप चतुर्थी लगाइए। बस ये छह शब्द आप याद रखिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वशट ना, ये छह शब्द हैं आपके, तो छवो शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होगी। और आपको याद रखना है छवो का अर्थ कि किसका अर्थ क्या होता है किस बात के लिए किस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, बस इतना जान पाएंगे तो आप ये सारे उदाहरण कर लेंगे। और ये सूत्र महत्वपूर्ण सूत्र है, इसे आपको निश्चित ही याद रखना चाहिए। तो आज बस इतना ही, और शेष फिर कल नए वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।